अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे कुटुआ, ये फाइल तो तुम नीचे ही भूल आए। अरे अम्मा, अम्मा आपने क्यों तकलीफ की? किसी से भिजवा देते। किससे भिजवाते? आधा घर तो उस पगलिया के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और अपनी बहुरिया रसोई में काम कर रही है, सोचा खुद ही दे देते हैं। बुढ़वा, हमको कुछ कहना है। देख, तू उस पगलिया को घर में ले आया, कोई बात नहीं, और बहुरिया ने भी सब कुछ सह के उसे स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। और अब तो बच्चे भी उसके साथ लुकन छुपाई खेलने लगे, और अच्छी बात है। लेकिन इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जो इतनी मेहनत से रिश्ते जुड़े हैं वो जोड़ खुल जाए। हमारी बात समझ रहा है ना? हमें ये डर खाए जा रहा है कि कहीं तू हमारी बहुरिया से दूर ना हो जाए। हमारी बहुरिया हम सबका बहुत ख्याल रखती है, पर उसका ख्याल तुझे रखना है। बस यही कहने आए थे। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाना है कि नहीं? दादी, दादी उठिए ना दादी। अनु बाबू, हमने कुछ नहीं किया, हम तो टिया को थप्पा मारे थे, पता नहीं बुढ़िया कहां से बीच में आ गई। हमने कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों डांट रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। अरे नाथ, नाथ अंदर ले जाओ उन्हें। हमने कुछ नहीं किया। उठाओ ने, उठाओ, तुम डॉक्टर को फोन दे। हम करें। जख्म हल्का है
जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए इसे सीरियस लेना होगा। सीढ़ियों से गिरने के कारण इनके बदन में झटका लगा है। अभी कुछ दिन के लिए इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। बाकी मेडिसिन मैंने लिख दी है, अब मैं चलता हूँ। मिश्रा जी, माँ आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम सब के लिए ना अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कहना क्या चाहते थे? आज के इंसिडेंट के बाद मॉम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एक तो ये बुलबुल और मुस्कान वैसे मॉम के पीछे पड़ी हुई है, अब तो उनको शक भी हो चुका है नानी। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद मॉम सबके निशाने पर आ चुकी है। मिश्रा जी, आपको कब यकीन होगा कि ये जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब एक ड्रामा है, ढोंग कर रही है वो। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है वो माँ। गलती से धक्का लगने में और एक्चुअल में धक्का मारने में बहुत फर्क होता है। ये सब अपनी आंखों से देखा है माँ। टिया बेटा, तुम बताओ, तुमने ललिता जी को देखा तो तुम्हें धक्का देते हुए? नहीं माँ, वो तो हमारे पीछे थी, अगर हम उन्हें देख लेते तो वो हमें धक्का कैसे करती? लेकिन हमने सब कुछ देखा है माँ, तब भी और आज भी। वो कोई पागल वागल नहीं है, और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे ना, उतना कम नुकसान होगा। जामाई बाबू, ये जो कुछ भी नुकसान हुआ है ना, उसकी पागलपन की वजह से हुआ है। अगर उसका दिमाग जरा भी ठीक होता तो वो कम से कम जामाई बाबू के अम्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि ये बात वो भी जानती है कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो उसे जामाई बाबू के नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी लाली कुछ भी कर सकती है, किंतु वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे जामाई बाबू उससे दूर हो जाए। जामाई बाबू, मैं सच कह रही हूँ ना, बोलिए ना जामाई बाबू, बोलिए ना। हाँ डॉक्टर, ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इस वक्त कहाँ जा रहे लकी? नाक में दम कर रखा है इन रंजू की बेटियों ने। क्यों, क्या हुआ? यार ये शालू और विशेष है ना, मॉम के मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, और डॉक्टर ने यह कहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करेंगे, तो बस मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूं। तुम मॉम का ख्याल रखना, मैं इस मामले को संभाल के आता हूं। ध्यान रख अपना। मिश्रा जी, हम आपकी दुविधा समझ रहे हैं, लेकिन बुलबुल ने जो देखा है उसे भी तो अनदेखा ना ही कर सकते हैं ना? ये जरूर हो सकता है कि उसने जो कुछ भी देखा उसे उसने गलत समझ लिया, ये उसकी गलत फहमी हो। माँ, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, ये सच है। कब तक हम ऐसे सच से आंख चुराते रहेंगे? देखिए, मैं यहाँ लाली की गलती पर पर्दा डालने नहीं आई हूँ। मैं समझती हूँ चाहे उसका दिमाग जैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने जो हरकत की है वो सफाई के काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, माफी मांगने की और माफ करने की गुंजाइश हमेशा रहता है। मैं आप सब लोग से हाथ जोड़कर उसके किए की माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए उस पागल को इस बात की सजा मत दीजिएगा, उसे पागल खाने मत भेजिएगा, मर जाएगी तो हमारी लाली मर जाएगी। माँ जी, माँ जी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बेटी को इस घर में पागल खाने छोड़ने के लिए नहीं लेके आए हैं। आप परेशान मत होइए, इसी घर में रह के आपकी बेटी का इलाज होगा और हम सब उनकी देखभाल करेंगे। कहाँ लाए हो? मुस्कान मिश्रा जी को बुलाइए। ये तो बताओ कि लाए का हो? किसी परीक्षा का एडमिट कार्ड है। घर पर कोई नहीं है, एक काम करो, लाओ हमें दे दो।
हम मुस्कान को दे देंगे। आप दे देंगी ना? अरे हाँ भाई, कागज ही तो है, कोई हीरा मोती थोड़ी ना है। मैडम साइन तो कर दीजिए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।